सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू बाइसाइकिल वीडियो। तो आज की वीडियो बहुत ही खास और स्पेशल होने वाली है। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वी ब्रेक, डिस्क ब्रेक और कैलिपर ब्रेक के बारे में। तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो बात करते हैं हमारे कैलिपर ब्रेक की। तो कैलिपर ब्रेक हमारे बेसिक साइकिलों में अवेलेबल होते हैं, जिसमें हमारे कुछ किड्स के मॉडल आ जाते हैं और लेडीबर्ड मॉडल, और कुछ एमटीबी साइकिल में हमारे कैलिपर ब्रेक आते हैं। तो बात करते हैं कैलिपर ब्रेक के बारे में। तो ये होते हैं हमारे कैलिपर ब्रेक, और ये बहुत, इनके अगर प्लस पॉइंट की बात करें तो इनको हम खुद घर पे भी रिपेयर कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। हमें ये बोल्ट प्लास से ढीला करना होता है और बस इसको यहाँ से पुश करने के बाद वापस से टाइट कर देना होता है। बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट की। तो बेसिकली हमारा होता क्या है, जैसे हमारी साइकिल पुरानी हो जाती है तो हम ब्रेक को, जैसे ही अपने ब्रेक लीवर को पुश करते हैं तो हमारे कैलिपर वाला ब्रेक आगे की साइड में पुश हो जाता है, जिससे हमारे ब्रेक कभी भी काम नहीं करते सही से। और बारिश के दिनों में तो ये बिल्कुल ही काम नहीं करते, मैं सीरियसली आपको बता देता हूँ। तो और अगर इनकी रबड़ की हम बात करें तो ये हमारे 20 रुपीज़ के आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। तो यही है बस कैलिपर ब्रेक के बारे में। अब बात करते हैं हम अपने वी ब्रेक के बारे में। ये होते हैं हमारे वी ब्रेक, और ये हमें कुछ एमटीबी मॉडल्स और हमारी सिटी बाइसिकल में अवेलेबल होते हैं। बात करते हैं इन्हीं के बारे में। तो ये हमारे कैलिपर ब्रेक से थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, और ये बहुत अच्छे, इनको हम पावर ब्रेक भी बोलते हैं, और ये बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। तो गाइज, इनको हम अपने घर पे रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इनको ब्रेक को बनाना थोड़ा हार्ड होता है। और इनकी अगर हम बात करें तो ये बहुत अच्छा हमारे ब्रेक लगते हैं और हमारी साइकिल को अच्छे से रोक भी देते हैं। बात करते हैं वी ब्रेक के नेगेटिव पॉइंट्स की। तो सबसे पहले तो यार, इसकी जो रबड़ होती है वो बहुत जल्दी घिस जाती है, और इसके अंदर लगा हुआ लोहा हमारे रिम को ख़राब कर देता है, जो कि हमारा डुअल वॉल रिम होता है। तो डुअल वॉल रिम अगर हमारा ख़राब हो जाता है तो ये बेसिकली यार 1200 रुपीज़ का आता है, जो कि बहुत महंगा होता है। तो इसकी सर्विस हमें बहुत जल्दी करनी होती है। इनकी रबड़ को हमें फटाफट से चेंज कराना पड़ता है ताकि हमारा रिम ख़राब ना हो, और ये हमारे अराउंड 40 रुपीज़ की आती है। एक बात और है यार, अगर हमारे रिम थोड़ा सा भी टेढ़ा होता है तो ये ब्रेक अच्छे से काम नहीं करते हैं और साइकिल को बहुत हार्ड चलाते हैं, क्योंकि हमारा जो रिम होता है वो हमारे ब्रेक पे लगता है, तो इसकी वजह से हमारी साइकिल बहुत हार्ड चलती है। तो वी ब्रेक में हमारे जो रिम होता है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, अगर ये टेढ़ा होगा तो ये यार इसमें लगेगा और इसकी वजह से हमारी साइकिल बहुत हार्ड चलेगी। तो यही है यार वी ब्रेक। और इसके बाद हम करते हैं हमारे डिस्क ब्रेक के बारे में बात। तो ये होते हैं हमारे डिस्क ब्रेक, और ये हमारे मैकेनिकल डिस्क ब्रेक है। तो ये होते हैं हमारे डिस्क ब्रेक, और ये हमारे फुल एमटीबी साइकिल में आते हैं, एमटीबी मतलब माउंटेन बाइसाइकिल। तो बेसिकली अगर हम इनकी ब्रेक की बात करें तो ये हमारे बहुत ही बढ़िया काम करते हैं यार, क्योंकि ये हमारे हब में इंस्टॉल होते हैं और बारिश के दिनों में भी अच्छे काम करते हैं। तो ये हमारे अराउंड जो बाइसिकल होती है 7000 उससे ऊपर की साइकिलों में आते हैं। तो इनके अगर हम फायदे की बात करें तो यार ये जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं, और इनको हम घर पे सर्विस बिल्कुल नहीं कर सकते। बाकी टाइट तो घर पे कर सकते हो, लेकिन अगर इसकी कुछ सर्विस करनी हो तो हम घर पे बिल्कुल नहीं कर सकते। यार इनके अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो यार ये बहुत बढ़िया ब्रेक है यार, सीरियसली। इनमें हमें हमारे डुअल वॉल रिम, जैसे हमारे वी ब्रेक में ख़राब हो जाते हैं तो उसमें हमें वो प्रॉब्लम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे हब में इंस्टॉल होते हैं और वी ब्रेक हमारे यहाँ रिम के पास में इंस्टॉल होते हैं, जो हमारे रिम को ख़राब कर देते हैं। तो ये एक तो जल्दी सर्विस इसकी बहुत कम है, और ये जल्दी से ख़राब नहीं होते यार, सीरियसली। तो सबसे बेस्ट जो हमारे ब्रेक होते हैं वो हमारी डिस्क ब्रेक है। और थैंक यू सो मच यार वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और ये वीडियो सिर्फ फनी पर्पस के लिए हमने बनाई है। थैंक यू। हाय एवरीवन, दिस इज आचल चोपड़ा हियर, एंड दिस इज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो एंड चल।